हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया वेज एंड नॉन वेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, आज हम घर पर ही थ्री कलर के कलरफुल पास्ता बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और जान लेते हैं इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में। मार्केट में अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग नामों के पास्ता मिलते हैं। यहाँ पर हम दो तरह के पास्ता लेंगे, 200 ग्राम, और यहाँ पर लेंगे फूड कलर ग्रीन, येलो और रेड। उसके बाद हम दोनों को मिक्स कर लेंगे और इनको मिक्स करने के बाद इनको चार जगह हम अलग अलग कर लेंगे। और देखिए, हमें कुछ सब्जियां भी चाहिए। सब्जियां आप अपनी मनपसंद कोई भी ले सकते हैं, कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम टमाटर एक लिए हैं, एक शिमला मिर्च, एक प्याज, आधा गाजर है और 5-6 हरी मिर्च है। और लेंगे टोमेटो केचप, पास्ता मसाला एक पैकेट, रेड चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, और गिनो आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और डार्क सोया सॉस आधा चम्मच, पिज्ज़ा सॉस एक चम्मच, और ग्रीन चिली सॉस एक चम्मच। अगर इन मसालों में से आपके पास कोई मसाला नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आप सब्जियों के साथ भी पास्ते को बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और फ्रेंड्स, सब्जियों को हम रफली चॉप कर लेंगे, बहुत बारीक नहीं करना है। देखिए इस तरह से। अब गैस पर एक पैन में पानी रखेंगे, पानी को हम बॉयल होने देंगे, और पानी हमें इतना लेना है जिससे कि सारे पास्ते हमारे बॉयल हो जाए अच्छी तरह से। देखिए पानी बॉयल हो गया है। अब चार भागों में इसको हमने कर लिया है कटोरे में, एक किसी गहरे कटोरे में बर्तन में रखेंगे। अब उबलते हुए पानी को हम पूरा इसको डुबो देंगे ताकि हमें उबलने में समय न लगे। और फ्रेंड्स, इस तरह से कर देने पर हमारे पास्ता बहुत जल्दी ही बॉयल हो जाते हैं। अब एक बर्तन में हम एक पास्ता को रखेंगे बड़े बर्तन में गैस पर उबलने के लिए, और इन तीनों को, अगर आपके गैस खाली है तो आप उनको दूसरे बर्तन में उबाल दीजिए, और नहीं तो जब तक पहला पास्ता बॉयल हो रहा है तब तक इनको इसी तरह छोड़ दीजिए। देखिए अब इसमें हम पानी डाल देते हैं ताकि अच्छे तरह से ये डूब जाए और बॉयल हो जाए। और इसमें हम 3-4 ड्रॉप रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और सभी में हमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है ताकि आपस में चिपके ना। उसके बाद इसमें डालेंगे हम फूड कलर, ग्रीन फूड कलर है, इसको 3-4 ड्रॉप डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करके इनको बॉयल होने देंगे जब तक ये 80% तक न पक जाए, जैसे कि पूरी तरह से ना पके, थोड़ा थोड़ा इसमें कच्चापन का कसर रहे, ताकि ये बाद में जब हम इसको मसालों के साथ भूनेंगे तब अच्छी तरह से ये पक जाएंगे। जब तक गैस पर ग्रीन वाला बॉयल हो रहा है तब तक इन दोनों में हम थोड़ा सा कलर मिला लेते हैं। अब हम येलो कलर का फूड कलर 4-5 ड्रॉप डालेंगे और इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरह एक और कटोरे में पास्ता जो है इसमें भी हम डालेंगे रेड कलर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ग्रीन कलर वाला पास्ता बनकर तैयार है, इनको हम छान कर निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अब इनको हम छान लेंगे। अगर पास्ता बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो गया है, बहुत ज़्यादा गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, तभी आप इसको ठंडे पानी में डालिए। और ऐसे ही करके सारे पास्ते को हम बॉईल कर लेंगे और छान लेंगे। 3 पास्तों में हम कलर डालेंगे और एक पास्ता को हम नेचुरल ही रहने देंगे। ऐसे ही इनको भी हम बॉईल कर स्टर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी बॉईल होने के बाद ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। फूड कलर या तो आपका लिक्विड हो या फिर पाउडर हो, आप कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक हमारा नेचुरल कलर में है, देखिए ये भी बहुत खूबसूरत है। पास्ता अच्छे से बॉयल हो गया है, अब इनमें थोड़ा सा मिर्च मसाले भी लगा लेते हैं। गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, उनमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और ऑयल गर्म होने पर हम मिर्च, प्याज, गाजर सभी कुछ साथ में ही डाल देंगे, शिमला मिर्च को भी डाल देंगे, और मिक्स करेंगे और आधे मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और ना ही हमें बहुत ज़्यादा डार्क करना है इसको। जब ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी सिर्फ हम आधे मिनट के लिए भूनेंगे। अब उसके बाद हम डालेंगे इसमें डार्क सोया सॉस, पिज्जा सॉस, ग्रीन चिली सॉस, गरम मसाला, नमक और टोमेटो केचप डालेंगे, और पास्ता मसाला पूरा पैकेट डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम कम कर देंगे ताकि मसाले जले ना, और इनको आधा मिनट के लिए भून लेंगे।
उसके बाद बॉयल किए हुए पास्ते को डालेंगे। और इनको अच्छे से मिक्स कर दो तीन मिनट के लिए और पका लेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिली फ्लेक्स और डालेंगे ओरिगेनो और इनको मिक्स कर लेंगे। बस बनकर तैयार है मेरा कलरफुल पास्ता। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है फ्रेंड्स, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और अब मिक्स करने के बाद इनको हम गैस को बंद कर देंगे और इनको हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको पास्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तुरंत कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।